चंदन क्यारी के प्रथम विधायक हरदयाल शर्मा के जयंती समारोह मनाया गया। चंदन क्यारी बाईपास स्थित चौक में चंदन क्यारी के प्रथम विधायक सह शिक्षाविद हरदयाल शर्मा की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के संचालन जगन्नाथ रजवाड़ ने किया, जहां चंदन क्यारी के लोगों ने उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज के दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज हरदयाल बाबू के जन्म दिवस पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग एवं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। हरदयाल शर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए श्री जगन्नाथ रजवाड़ ने कहा कि हरदयाल बाबू जात पात एवं ऊंच नीच से ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया। उन्होंने चास चंदन क्यारी के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए इतने कार्य किए हैं कि उनका बखान करना संभव नहीं है। उनके द्वारा शिक्षा एवं कृषि कार्य के योगदान का आज भी हम उन्हें भूल नहीं सकते। उनके दूरदर्शिता के कारण हमें बोकारो स्टील प्लांट नसीब हुआ। उनके विचार में ही विकसित चंदन क्यारी का रूपरेखा तय होता था। वर्तमान परिस्थिति में यदि उनके आदर्शों पर चले तो निश्चित रूप से चंदन क्यारी की पहचान अलग होगी। मौके पर बीस सूत्रीय अध्यक्ष देवाशीष मंडल, चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक, प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, विधायक अमर बावड़ी के प्रतिनिधि विनोद गौराई, समाज सेवी सीपी सिंह एवं भाजपा कांग्रेस नेताओं ग्रामीणों ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पाप कारखाना का स्थापना हुआ वहाँ आरा मोर बनिया मोर छपड़ा मोर से नाम जाना जाता है, कई हरदयाल बाबू का नाम नहीं आए। आज मंच के माध्यम से तमाम बुद्धिजीवी हम सारे लोग बैठे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी औपचारिकता पूरी करते हुए बोकारो जनरल अस्पताल का नाम हरदयाल शर्मा के नाम से होना चाहिए। ये हम लोकतंत्र के अंग हमारे साथ हैं जो मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, हम उनके माध्यम से सरकार और विपक्ष और जो भी औपचारिकता में के दायरे में आते हैं सबको अवगत करना चाहते हैं हम कि बोकारो जनरल अस्पताल का नाम का नामकरण हरदयाल बाबू के नाम से हो। साथियों, हमें कभी कल्पना नहीं किए थे कि हरदयाल बाबू का स्टेच्यू बनाने के बाद हमको भी माइक पकड़ना होगा। तो चलिए, आप सबों का आशीर्वाद से ही हम जितना दावा ठोक रहे हैं, ये बोकारो इस्पात कारखाना बना, बोकारो जनरल अस्पताल का नाम बदलने में मेरा समय नहीं लगेगा। समय इसलिए लग रहा है कि वहां बोकारो जनरल अस्पताल का नाम पहले से नामकरण हो चुका है, और नहीं तो हम जाकर सीढ़ी लगा करके और ऊपर में जाकर चढ़ के लिख देते कि नाम बोकारो जनरल अस्पताल नहीं हरदयाल बाबू का नाम से है। साथ ही समय बहुत कम है।